हैं हमारा प्यारा सा लेसन रिया रीच्ड अंकल्स हाउस या होम, जो भी आप कह सके। तो हमने देखना है कि कैसे वो, कितने मुश्किल से वो पहुँचे। वेयर डिड रिया एंड हर फैमिली रीच्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन। तो सी है वापी, पहले वो वापी में गए, फिर बाद में आगे प्रस्थान उन्होंने किए। हु केम टू पिक अप रियाज फैमिली एट द स्टेशन। तो बी है रियाज अंकल। हु हग्ड रिया एंड हिमाक्स हग देयर अंकल्स चिल्ड्रन इश्रेल एंड अर्णव। फ्रॉम वापी स्टेशन रिया एंड हर फैमिली रीच्ड हर अंकल्स होम बाय ऑटो रिक्शास। From station, all of them reached home by car, so that is wrong. From Vapi station to reach Riya's uncle's house, why didn't they hire one auto rickshaw only? At Vapi station, Riya's uncle had two children came to pick up Riya's family. So three of them and Riya's family along with their luggage could not get accommodated in one auto rickshaw, so they hired two auto rickshaws. As per the rule, what is the maximum number of passengers that can travel in one auto rickshaw? So that is B, 3. What did they all do after coming to uncle's home? So Riya slept after coming to her uncle's home. Her parents took bath and got ready. Therefore, Riya and Himash also took bath and got ready. They sat together and had their meals, and then they took rest for some time. Where would they go with uncle after taking rest? तो B, दमन। दमन वो लोग गए घूमने के लिए। तो इतना हमारा क्लियर है बच्चों। टेक्स्ट बुक में भी हमने देखा कि उनकी ट्रेन वापिस से निकली, रिया के अंकल आए, फिर वहाँ वो फ्रेश हुए, खाना खाया, है ना? और उनके दो बच्चे अंकल के, जो उनके कजन्स थे, वो भी आए उनको मिलने, उनको लेने। तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से उनको ज्ञान आया कि कैसे इनको करना है और कहाँ तक जाना है, कैसे इनको रखना है खुश। मामा और उनके बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया कि बच्चे हमारे खुश रहे, आबाद रहे, अच्छे से रहें। फिर है फोर्थ पेज बच्चों, रिया रीच्ड अंकल्स होम। तो ये है टेंथ वाला प्रश्न। फ्रॉम अंकल्स होम ऑल रीच्ड बस स्टेशन बाय ऑटो रिक्शा। इलेवेंथ, फ्रॉम वापी ऑल रीच्ड दमन बाय ऑटो रिक्शा, तो रॉन्ग है। ट्वेल्थ है, दे रीच्ड एट जम्पोर, कहाँ पे? द बीच ऑफ दमन। वॉट डिड रिया सी एट द बीच ऑफ दमन? रिया सॉ द क्राउड ऑफ पीपल ऑन द बीच, पीपल सेलिंग अराउंड द सेल इन द बोट, पीपल राइडिंग ऑन द हाउस हॉर्स एंड कैमल, चिल्ड्रन मेकिंग सैंड हाउस एट द सी शोर। तो ये सब बात उन्होंने देखी, कैसे वो लोग हॉर्स में बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूमने जा रहे हैं, बच्चे वो रेती के घर बना रहे हैं, वो सब इन्होंने देखा। 14th में है, हु वॉज मेकिंग सैंड हाउस एट सी शोर, लिटिल चिल्ड्रन वो मेकिंग सैंड हाउस एट सी शोर, हु मेड द सैंड हाउस विद हिमांश, तो वो है डी, ऑल ऑफ दीज, कौन कौन? श्रेल, आनव, रिया, ये सब ने।
16th, how did Riya's family enjoy at the seashore? All the members of Riya family and her uncle went boating. Then they went for the house and the camel ride. Later they had snacks and at the seashore, though this way they enjoyed a lot of at seahorse. The seashore पे बहुत ज़्यादा enjoy किया, boating वगैरह सब कुछ किया. Snacks उन्होंने किया. How was the sun looking in the evening at the seashore? At the seashore, the evening, the sun was looking amazing. It was sinking in the sea water. In the evening, तो sun जो थे वो आकाश में जा रहे थे और ऐसा लग रहा जैसे नदी में वो swim करने जा रहे हैं. इतना सुनहरा beautiful, colorful seashore था. Have you ever visited any seashore? तो आप अपनी जगह से answer लिख सकते. At the seashore, on what did Riya ride? At the seashore, Riya had a horse and a camel ride. And what care would have been taken the seashore or the riverbank? तो क्या क्या कर सकते हो आप वहाँ? We could not take bath at the place. Restricted the government, okay, by the government. So वो लोग वहाँ नहा नहीं सकते क्योंकि deep होता है पानी river में, sea में, तो पता नहीं चलता बच्चों. और sit quietly and one place at in the boating. कहाँ कहाँ तो boating भी बहुत ज़्यादा available नहीं होती है, डूबने के chances होते हैं. इसीलिए we should not walk or talk, stand or talk और वॉक ओवर है. तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट लागू करती क्योंकि उनको पता है कि पहले शायद वहाँ पे कोई डूब गया हो. तो बच्चों ऐसे मौसम में आपको गवर्नमेंट जो रूल्स देते हैं उनका पालन करना पड़ता है. तो 61 पे है पेज नंबर. हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 4th EVS. इन द बोट वी शुड नॉट टच अननोन थिंग्स. वी शुड नॉट प्ले, go around or with unknown people. Yes, if we know swimming we can swim unknown water reservoirs without taking permission. Yes, fir hai second, if we know swimming we can swim the unknown water reservoirs without taking permission. To wrong hai, परमिशन लेनी पड़ती है. 23rd, कोकोनट इज़ फाउंड इन अबंडेंस इज एट द सीशोर. तो राइट है. इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक बाथ इन द रिवर इन विच देर आर डैश. तो डी है क्रोकोडाइल्स. वॉट केयर शुड बी टेकन इन अ फेयर. तो वो है इन अ फेयर वी शुड स्टे विद आर पेरेंट्स. वी शुड नॉट सिट इन द rides. After eating we should also hold the handles when we sit in the rides. We should not eat the kept food which is open and we should not push anyone in the field. तो ये सब काळजी आपको लेनी है कि rides में खाते पहले आपको खाना नहीं खाना है बैठते पहले, otherwise vomit हो सकता है. और handles उनके use करने का कोई भी rides में आप बैठे हैं. Small children can sit in a ride which is people about 14 years. उससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं. तो wrong है. बड़े बच्चों को ही बैठा जाता है क्योंकि बड़े बच्चों को ज्ञान होता है. बहुत छोटे 14 वाले अवेलेबल नहीं हो सकते क्योंकि प्रॉब्लम होता है, टिकट्स है. रियाज ट्रेन टू 14 आवर्स और 35 मिनट्स टू रीच वापी फ्रॉम गांधीधाम. तो ये क्वेश्चंस हमें दिए थे पेज नंबर पे, तो आपको वो लिखने हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारे पेज नंबर 61 पे है. फिर है 28, नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल. तो वी नीड टू बाय टिकट्स एंड ट्रैवल बाय बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बोट एक्सेट्रा. 29th है, समटाइम्स एट सम प्लेसेस वी नीड टू टेक एंट्री टिकट. थिंक एंड राइट अबाउट सच प्लेसेस. तो वो है वी नीड टू टेक एंट्री टिकट्स एट स्लाइट सीइंग प्लेसेस, जू, एक्वेरियम, सर्कस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर्स, थिएटर्स,
सम गार्डन्स, क्रिकेट और स्टेडियम एक्सेट्रा। तो ये सब पब्लिक एरियाज है बच्चों, जहाँ बहुत शांति से और सावधानी से जाना पड़ता है। व्हाट डू पैसेंजर्स हु ट्रैवल डेली टू टेक सम प्लेस कीप विद इन ऑफ द टिकट्स? तो पैसेंजर्स हु ट्रैवल डेली एट द सेम प्लेस कीप्स पासिंग इन इंस्टेड ऑफ टिकट्स विद देम। तो कभी कभी क्या करते वो लोग, बिना टिकट्स के भी चढ़ जाते। ये प्लेसेस जो है वो पब्लिक एरिया वाले प्लेसेस हैं, जैसे थिएटर्स, गार्डन्स, ये सब। तो पेज नंबर हमने यहाँ तक 30 वाला फिनिश किया है, 61 पेज बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 61 पे कंटिन्यू करेंगे हम। व्हाई डिड डू पैसेंजर्स हु ट्रैवल डेली टू टेक द प्लेस बाय पैसेंजर्स बाय पास? तो पास इसलिए करते बिकॉज इट इज़ चीपर एंड टाइम टू स्टैंड डेली इन अ क्यू टू बाय टिकट्स इज सेव। तो टुडे वी कैन बुक डेली टिकट्स फ्रॉम द होम ऑल्सो। तो राइट है, फाइंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फ्रॉम द टिकट गिवन ऑन द पेज नंबर 61 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो ट्रेन नंबर है 9035। फिर है डेट है 24-2018, कोच सीट है 8/21/22/23, टिकट फेयर है 2578 रुपीज़, डिस्टेंस है 643 किलोमीटर्स। हाउ मैनी पीपल ट्रैवल? 3 पीपल। द टिकट फ्रॉम हाउ मैनी मैन एंड वुमेन? 2 मैन एंड 1 वुमेन। कोच फ्रॉम द ट्रैवलिंग A1, बर्थ नंबर 21212223। रिजर्वेशन फी इज 75 रुपीज़। टिकट इज ऑफ विच ट्रेन? अवध एक्सप्रेस। एंड टिकट्स ऑफ विच क्लास? फर्स्ट क्लास AC। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1, नंबर ऑफ एडल्ट 2। बोर्डिंग स्टेशन बांद्रा टर्मिनल्स एंड डेजिग्नेशन इज रतलाम जंक्शन। एंड टिकट नंबर इज 6825091A। तो ये सब इंफॉर्मेशन बच्चों टिकट में दी है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, AC है। विच इंफॉर्मेशन कैन बी गेट फ्रॉम द रेलवे टिकट? तो वो है इंफॉर्मेशन ऑफ कैन बी गेट फ्रॉम रेलवे टिकट आर ऑल्सो एज फॉलोज। तो PNR उनका नंबर जो है, नंबर ऑफ टिकट, ट्रेन नंबर, ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ट्रैवलिंग, नंबर ऑफ अडल्ट ट्रैवलिंग एंड सीट एंड नंबर, तो ये सब वहाँ पे कास्ट ऑफ दी गया है बच्चों। तो 62 पेज पे हमारा इतना फिनिश हुआ है। क्लास ऑफ ट्रैवलिंग, कोच, रिजर्वेशन फीस और टोटल अमाउंट पेड फॉर द टिकट। तो इसके साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में आऊँगी रेलवे टाइम टेबल लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, पेज नंबर 63। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना।